नमस्कार, मैं हूं अपर्णा मौजम। आज क्रिमिनल्स में संकी आशिक की हैवानियत लाइव होगी। वो 32 सेकंड जब सरेराह गोली मारकर लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शादी और साजिश की कहानी भी होगी। एक कत्ल और लोन खत्म। आखिर कहां कर्ज से छुटकारा पाने के लिए रिश्तों का हुआ कत्ल। खुलासा इस वारदात का भी करेंगे। ज्वेल थीफ लाइव होंगे। एटीएम में सेंधमारी करने वाले गैंग को भी हम लाइव दिखाएंगे। और होगा 7 फेरे मानव तस्करी के रैकेट का खुलासा। पैंतीस सेकंड का ये सीसीटीवी फुटेज आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। इस सीसीटीवी फुटेज में सरेराह एक सनकी आशिक लड़की का पीछा करता हुआ नजर आ रहा है। यह सिरफिरा लड़की की गोली मारकर हत्या कर देता है। कत्ल से पहले के ये आखिरी 35 सेकंड होश उड़ाने वाले हैं। सरेराह लड़की का मर्डर। सीसीटीवी में कैद शूटआउट। सनकी आशिक की जानलेवा जिद। शादी करो वरना मरो। शादी से इनकार, सनकी आशिक का इंतकाम। वो देखो हत्यारा भाग रहा है। मौत से पहले की वो आखिरी 35 सेकंड। सनक इंतकाम, हैवानियत भरे ये वो 35 सेकंड है जो यकीनन किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। नरसिंहपुर के गोटे गांव में रेलवे स्टेशन से घर जा रही थी 20 साल की लड़की। इस सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का भी साथ जाते हुए दिखाई दे रहा है जो थोड़ी दूरी पर चल रहा है, जैसे वो लड़की से कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हो या कहे पीछा कर रहा है। लेकिन लड़की कोई बात नहीं कर रही थी। और फिर इस सीसीटीवी फुटेज में ऐसी तस्वीर कैद हुई जो थर्रा कर रख देती है। अचानक इस लड़के ने पिस्टल निकाली और सरेराह लड़की की कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी। गोली बेहद नजदीक से मारी गई थी। उसके बाद ये हत्यारा भागता हुआ नजर आया। आरोपी का नाम है देवेंद्र पटेल उर्फ डीके। बीती रात गोटेगांव हॉस्पिटल से थाना प्रभारी गोटेगांव को एक लिखित सूचना प्राप्त हुई। लड़की है 20 वर्ष की, वो मृत अवस्था में यहाँ लाई गई है। इस समय तत्काल पुलिस ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी और जांच उपरांत हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है। उसमें देवेंद्र पटेल नाम का एक आरोपी चिन्हित हुआ है, जिसे पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है। और प्रकरण में हमने हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया है। धर्मशाला के सामने सिंधी कॉलोनी के पास ही सनसनीखेज वारदात हुई। अब जरा इस सिरफिरे आशिक की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखिए, जिसमें लिखा है जो मेरा है वो मेरा है, चाहे दोस्त हो या मोहब्बत। आरोपी ने 29 नवंबर को फेसबुक का ये कवर फोटो बनाया था। आखिर इस वारदात के पीछे की वजह क्या है? मृतक लड़की के घर वालों की माने तो अक्सर देवेंद्र उनकी बेटी को परेशान करता था। मृतक लड़की जबलपुर के कैफे में काम करती थी। गोटे गांव से जबलपुर अप डाउन करती थी। आरोपी गोटे गांव का रहने वाला है, जो वारदात वाले दिन कत्ल के इरादे से ही आया था, साथ में पिस्टल लेकर।
सभी आरोपों पर हम अनुसंधान कर लेंगे और जो तथ्य आएंगे उनके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस की माने तो आरोपी देवेंद्र शादी की जिद कर रहा था और जब लड़की ने शादी से इनकार कर दिया तो इस सिरफिरे ने लड़की को ऐसी खौफनाक सजा दी। पुलिस थाने से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर ये वारदात हुई। ये प्रेम प्रसंग का मामला है। दोनों लड़के लड़कियां करीब 7-8 वर्ष से एक दूसरे से परिचित थे और ये लड़का मृतिका से शादी करने का इच्छुक था, मगर उसके परिजन और वो लड़की इस लड़के से शादी नहीं करना चाहते। इस सनकी की इस जिद ने लड़की के परिवार को जो जख्म दिया है, क्या ये जख्म कभी भर पाएगा? नरसिंहपुर में आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कत्ल की अगली वारदात अपने आप में हैरान कर देने वाली है। बाइक पर दो लड़के अपने पिता को बैठा कर ले जाते हैं, घुमाने के लिए नहीं बल्कि कत्ल के इरादे से। दोनों ही बेटे बड़ी ही बेरहमी से पिता का कत्ल कर देते हैं और फिर ड्रामा करते हैं। कैसे, आप भी देखिए सनसनीखेज खुलासा, एक कत्ल लोन खत्म। बीस दिन से दफन राज, पत्थर से वार पिता का मर्डर। एक झूठ से कत्ल का पर्दाफाश। वो कातिलों के साथ जा रहा था। बेटों का बदलापुर, एक कत्ल लोन खत्म। कर्ज के लिए पिता का कत्ल। तहकीकात के वो 20 दिन, इन 20 दिनों में एक शख्स की हत्या की तफ्तीश चल रही थी जिसकी पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या की गई। मामला धार के पीतमपुर का है। मृतक भोला सोनी के जिंदगी के पन्ने खंगाले गए। घर वालों से भी पूछताछ हुई, कहीं किसी रंजिश में तो इस वारदात को अंजाम नहीं दिया गया। इस बीच पुलिस को सबसे अहम सुराग मिला, कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन और दूसरा सुराग मृतक भोला सोनी पर कर्ज की कहानी, जिसने कई बैंक से लोन लेकर रखा था। क्या इस लोन और कर्ज से ही इस कत्ल का कनेक्शन तो नहीं था? और पुलिस का शक सही निकला। एक अज्ञात व्यक्ति की लाश प्राप्त हुई थी 24 नवंबर को पीथमपुर थाने क्षेत्र अंतर्गत, जिसकी पहचान बाद में भोला पिता भैयालाल सोनी के रूप में हुई। रंजिश की थ्योरी खारिज हुई। अब तहकीकात की दिशा और शक की सुई घर वालों की तरफ हुई। मृतक भोला सोनी के बेटे दीपक सोनी और सचिन सोनी से पुलिस ने पूछताछ की। लगातार दोनों बेटे पुलिस वालों को गुमराह करते रहे। वारदात वाले दिन पिता कैसे क्राइम सीन तक पहुंचे, इस बात में बेटों ने जो झूठ बोला, बस इसी से कत्ल का राज खुला। आरोपी बेटे पिता को बाइक पर बैठा कर ले गए थे इस खौफनाक इरादे से कि आज तो पिता का काम तमाम करना है। विवेचना के दौरान टेक्निकल एविडेंस जब जुटाए गए तो इसमें ज्ञात हुआ कि मृतक की हत्या उसके दोनों लड़के सचिन सोनी और दीपक सोनी के द्वारा की गई है। सवाल है, आखिर रिश्तों के कत्ल का प्लॉट क्यों रचा गया? तो पहली वजह थी कर्ज की कहानी। भोला सोनी ने कई बैंक से लोन लिया था, 16 लाख का कर्ज था। इस कर्ज से बेटे परेशान थे। दूसरी वजह थी पिता का शराबी होना। पिता की प्रताड़ना से माँ हमेशा तंग रहती थी। भोला पत्नी पर जुल्म ढहाता था। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि मृतक ने काफी कर्जा ले रखा था, जिसका बीमा भी मृतक के नाम पे था, और मृतक जो आए दिन शराब पी के घर में गृह क्लेश करता था, जिससे तंग आकर उसके दोनों लड़कों ने एक सुनिश्चित योजना के तहत कर्ज से छुटकारा पाने और गृह क्लेश से मुक्ति के लिए उसकी पत्थर से कुचल के हत्या कर दी थी। दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। दोनों को हिरासत में ले जाके भेज दिया गया है। रिश्तों के कत्ल की ये दोनों वजह बनी,
सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और एक झूठने कत्ल का पर्दाफाश किया। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब खुलासा उस काल खोटरी का जहां सपने दम तोड़ देते हैं। मानव तस्करी का वो रैकेट जिसमें बेबस लड़कियों की होती है सौदेबाजी। आखिर इस बिसात के और कितने मोहरे, 7 फेरों के नाम पर और कितनी लड़कियों को इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया है। धोखा, फरेब, हैवानियत। झारखंड टू एमपी, भरोसे के सौदागर, मोहरा बनी वो। सात फेरे, मानव तस्करी का खेल। इस गैंग के और कितने मोहरे, ये गैंग भरोसा जीतता है जो बेबसी और मजबूर लड़कियों का फायदा उठाता है। एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसने खरीद फरोख्त के इस खेल का खुलासा किया है। मानव तस्करी का वो खेल जिसमें झारखंड की रहने वाली लड़की को काम दिलाने के बहाने बुलाया गया, लेकिन काम क्या था ये सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लड़की को झारखंड के धनबाद से लाने वाली एक महिला ही थी जिसने लड़की को एक गिरोह को बेच दिया। ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। इल्जाम है कि उन खरीदारों ने लड़की को किसी और को बेच दिया, जबरन शादी करा दी। ये कुछ दिन पूर्व पुलिस को सूचना मिली थी कि दूसरे राज्यों से लाकर यहाँ पर लड़कियों को खरीदा बेचा जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने काम करते हुए एक पीड़िता को रेस्क्यू किया है। झारखंड से जब पीड़ित लड़की की परिचित लड़की ने छतरपुर आकर थाने में रिपोर्ट की, तब इस खरीद फरोख्त के खेल का खुलासा हुआ। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लड़की को काल कोठरी से रिहा कराया और ये 4 आरोपी जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ करने पर ये पता चला कि उसको झारखंड के धनबाद जिले से यहाँ लाकर महिलाओं द्वारा बेचा गया था। बेचने वाली महिला और खरीदने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 महिला, 2 पुरुष आरोपी बने हैं। इसमें पुलिस ने IPC की धारा 370, 376, 506 के अंतर्गत मामला कायम किया। मानव तस्करी की काल कोठरी में कलंक की क्या सिर्फ ये एक ही कहानी है? इस गैंग के और कितने मोहरे, कितनी बेबस लड़कियों का इस गिरोह ने सौदा किया है, तफ्तीश जारी है। छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। शादी के लिए क्या कोई किसी का कत्ल कर सकता है? एक महिला ने ऐसा ही प्लॉट रचा। उसने अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल नहीं किया, बल्कि शादी के लिए अपनी पति की हत्या की साजिश रच डाली, जो कत्ल में शामिल प्रेमी से पल पल की खबर ले रही थी। वो शादी के सपने सजा रही थी, लेकिन इस शादी के लिए किसी का कत्ल होना जरूरी था। सुनने में शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में ऐसा ही हुआ। शादी और मर्डर का आपस में कनेक्शन क्या है, तो इसके लिए उस कत्ल के बारे में पहले आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ में टिंगामाली के जंगल में ब्रजेश की लाश मिली थी। सिर पर पत्थर से वार करके हत्या की गई। उसके बाद मृतक के मोबाइल को कहीं और फेंका गया, बाइक कहीं और मिली। डॉक्टर साहब के द्वारा मृतक की मृत्यु हत्या होमोसाइडल होना बताया गया, जिस पर अपराध क्रमांक 67 कायम कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान हर पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में और दिशा निर्देश में लगातार एक विशेष टीम बनाकर प्रकरण की विवेचना बारीकी से की गई। हर पहलुओं पर बारीकी से विश्लेषण किया गया। कॉल डिटेल से 2 आरोपी अरेस्ट हुए, हेमंत और लाला, लेकिन एक और मास्टरमाइंड का अरेस्ट होना बाकी था। छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ से गातापार जंगल पुलिस MP के पन्ना पहुंची, पवई के बिरासन गांव, जहां अंतिम संस्कार में शामिल होने आई ये आरोपी
भागने की फिराक में थी। मुखबिरों की सूचना और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर इस प्रकरण में मृतक की हत्या में दो आरोपियों हेमंत वर्मा और लाला उर्फ तोवेल निवासी खैरागढ़ की संलिप्तता पाई गई थी। कहानी अब तक आपको उलझी हुई लग रही होगी, तो आइए इसे शीशे की तरह साफ करते हैं। ब्रजेश के कत्ल के लिए हेमंत और इस महिला ने मिलकर पार्टी का प्लान बनाया था, यानी हेमंत ब्रजेश को अपने साथ ले जाएगा, खूब शराब पिलाएगा, उसके बाद हत्या होगी। हत्या से पहले और बाद में पल पल की जानकारी कत्ल की ये मास्टरमाइंड ले रही थी, जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। जिन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी जो हेमंत वर्मा है, उसका प्रेम संबंध मृतक बजेंद्र की पत्नी के साथ था। लेकिन इस मास्टरमाइंड का राज तब फाश हो गया जब हेमंत और उसका साथी लाला अरेस्ट हुए, जिसने बताया ब्रजेश की पत्नी, सही सुना आपने, ब्रजेश के कत्ल की साजिश में उसकी पत्नी शामिल थी। हेमंत वर्मा और मृतक की पत्नी दोनों आपस में ब्रजेंद्र को हटाकर शादी करके जीवन यापन करना चाहते थे, जो कि मृतक के जीवित रहते संभव नहीं था। इसलिए दोनों ने प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से मृतक को हत्या की साजिश रची। ब्रजेश उसकी पत्नी के बीच अक्सर अनबन होती रहती थी, झगड़ा फसाद। इस बीच हेमंत की एंट्री हुई। हेमंत से ब्रजेश की बीबी शादी करना चाहती थी। शादी के लिए पति के कत्ल की पत्नी ने साजिश रची। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्रिमिनल्स अभी कई और हैं, डालेंगे उन पर भी नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद।